रात को 11:41 पर पूरे मुल्क में बतदरीज एक ब्लैकआउट हुआ, जिसकी वजह से जो बिजली की तरसील है उसमें एक तातुल पैदा हुआ। इस दौरान जाहिर है कि मुख्तलिफ किस्म की चेमागोइयाँ हो रही थीं, लेकिन जो असल वजूहात हैं जो आपको हमारे एनर्जी के मिनिस्टर उमर अयूब साहब तफसील से बताएंगे, मैं ये चाहता हूँ कि आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बिजली का जो सेक्टर है ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है किसी भी मुल्क में। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि हमने ये देखा कि इस सेक्टर पे एक खास स्क्यूड, जिसको के कहते हैं एक सिर्फ एक डायरेक्शन में इस पे काम हुआ। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई, और जो बिजली का निज़ाम होता है उसकी बुनियादी तौर पे तीन पहलू होते हैं, एक जहाँ से कि बिजली पैदावार, दूसरी उसकी तरसील, और तीसरी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसमें अगर एक भी काम न कर रहा हो तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और आपका जो बिजली की तरसील का जो एक सीक्वेंस है वो डिसरप्ट हो जाता है। जनरेशन, चूंकि मैं वाटर की, पानी की से पैदा शुदा एनर्जी की बात नहीं कर रहा, डैम्स वो तो ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लेते हैं, 6 से 7 साल बनने में लेते हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो उनकी एवरेज तकमील जो है उसे 2 से 3 साल में हो जाती है। इसके साथ साथ जब आपकी बिजली बनती है तो उसको उठाने के लिए, जिसे कोई इवैक्यूएशन कहते हैं, आपको एक ऐसा वो चाहिए होता है, निज़ाम होता है जो कि जिसको के तरसील कहते हैं, जो कि ये तारें, आसान उर्दू में जो तारें होती हैं डिफरेंट उसके लेवल की होती हैं, जो कि मुख्तलिफ उसको तादाद में उन इलेक्ट्रॉन्स को उठाती हैं। अब अगर उस पर काम ना हो तो पहली बात तो ये कि आप इवैक्यूएशन कर नहीं सकते, यानी बिजली उठा नहीं सकते उस जनरेशन प्लांट से, और दूसरा ये है कि अगर उसमें वो पुरानी हो, उस पर काम ना हुआ हो, उस पर जो भी नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक कि कहीं पे मौसमी हालात की वजह से, फॉग की वजह से मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और आपकी प्रायोरिटी भी वो होनी चाहिए। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए, हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती, और नतीजतन यही होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसको 24 से 25,000, 26,000 तक मैक्सिमम उसको उठाने के काबिल होता है। एक तरफ तो वो हमें कैपेसिटी पेमेंट्स भी देनी पड़ती हैं, वो बिजली जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, ना इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसकी अभी तफसील बताएंगे, उसकी वजह से अगर आपका वो निज़ाम अपडेटेड ना हो तो जाहिर है कि फिर टेक्निकल मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने आते ही ये जो है मठियारी की जो लाइन है ये भी तकरीबन अब मुकम्मल होने को है, और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि जो तरसील का जो निज़ाम है उस पर हमारी हुकूमत तवज्जो दे रही है, और जाहिर है कि फिर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन तरसील पैदावार के बाद जो सबसे अहम एरिया होता है वो है तरसील का। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा एनर्जी मिनिस्टर साहब से कि वो कल का जो वाकया हुआ है उसकी आपको तफसीलात बताएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शिबली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अहसन तरीके से स्टेज सेट किया और सारे नाज़रीन को, सामीन को और हमारे मीडिया के साथियों को आपने ब्रीफ कर दिया। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। जो टाइम आपने बताया बिल्कुल दुरुस्त, 11:41 पे हमारे गुदू के पावर प्लांट पे ये फॉल्ट आया, और 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी जो 49.5 हर्ट्ज़ के लगभग होती है वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर अंदर, और उसने
टेक्निकल जबान में उसको कैस्केड कहते हैं कि एक यके बाद दूसरा जो पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन शुरू कर दिया। और ये इसी तरह है आम फहम जबान में हम लोग क्या कहें कि आपके घर में जो फ्यूज़ होता है वहाँ पे कोई फ्यूज़ में ओवरलोडिंग होती है तो वो खुद ब खुद फ्यूज़ जो है वो उड़ जाता है या ब्रेकेट या ब्रेकर जो है वो उड़ जाता है, उसको रीसेट करना पड़ता है। तो ये वही सिस्टम हुआ और पूरे मुल्क का जो ये ऊपर और नॉर्थ साउथ शुमाल में जनूब में हर जगह पे ये सिस्टम में गया जहाँ पे पावर प्लांट्स हमारे चल रहे थे। ज़्यादातर तरबेला मंगला इस पे हमारे हवा के कई प्लांट्स थे वो चल रहे थे, जनरेशन कंपनी चल रही थी, वो सारे के सारे उस वक्त तकरीबन एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ 11:41 पे ये 10,302 मेगावाट्स चल रहे थे जो सिस्टम से एकदम आउट हो गए। और उसी उसके फौरन बाद मैं खुद भी वहाँ पे नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में पहुँच गया, डॉक्टर गिल साहब भी आके शिबली फराज साहब यहाँ से मॉनिटर कर रहे थे, हम लोग मीडिया को भी और हमने अपनी कॉम को इतमाद में लिया, एग्जैक्ट बताया डिटेल्स के साथ कि कौन कौन से शहर कहाँ पे कितनी देर पे ये ऑनलाइन आएंगे। तरबेला को हमने 2 बार स्टार्ट किया, वो सिंक हो गया और उसके साथ बिजली जो है मुख्तलिफ शहरों में शुमाल से हमने शुरू किया और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी आयस्को का सिस्टम आपका लाहौर इलेक्ट्रिक लाहौर के शहर के इर्द गिर्द के इलाके लाहौर में सिस्टम जो है वो एनर्जाइज हो चुका है, वहाँ पे बिजली आ रही है। फैसलाबाद के शहर में अभी जब मैं नेशनल पावर से आ रहा था तो फैसलाबाद का आधा शहर जो है वहाँ पे बिजली आ चुकी थी, दूसरे ग्रिड जो है वो एनर्जाइज हो रहे थे, जंग मियांवाली जो है शहर ये एनर्जाइज हो गए थे, मुल्तान काफ़ी हद तक एनर्जाइज, वहाँ पर बिजली का निज़ाम शुरू हो चुका था। कराची इलेक्ट्रिक तकरीबन 400 मेगावाट वहाँ पर सप्लाई उसकी शुरू हो चुकी है इस वक्त और ये और चंद घंटे हमारे लगेंगे इस सिस्टम को वापस ऑनलाइन आने में। वजूहात क्या है? वजूहात इस वक्त हमें मालूम नहीं है क्योंकि रात को अंधेरे में भी टीमें हमने भेजी हुई थी गुदू के इर्द गिर्द तकरीबन 10-15 किलोमीटर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था उस वक्त। और अभी भी सुबह भी जब मैं अभी निकल रहा था तो वहाँ पर जो ऑनलाइन टीम्स थी उनके साथ भी हमारी गुफ्तगुशनीद हुई तो वहाँ पे वो 500 केवी की लाइंस में कोई नज़र अभी तक नहीं आया। जैसे जैसे दिन अभी गुजरेगा तो वहाँ पे जब धुंध कम होगी तो वहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन उसकी होगी कि ये फॉल्ट आया कहाँ पे, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, जिस तरह शिबली साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा, दो चीज़ें जहन में रखें। जिस वक्त हमारी हुकूमत आई उस वक्त ट्रांसमिशन पे कोई खातिर खा काम नहीं हुआ, हमने आते साथ ही तकरीबन 49 अरब रुपए अपनी ट्रांसमिशन सिस्टम पे लगाए हैं जिसकी वजह से तकरीबन 4,450 मेगावाट हम लोग सिस्टम में निकाल सकते हैं। पहले मुस्लिम लीग नून की जिस वक्त हुकूमत थी 18,500 मेगावाट से ज़्यादा वो तरसील नहीं कर सकते थे, हमने इसको तकरीबन 23-24 हज़ार मेगावाट तक हम लोग इसको पिछली गर्मियों में लेके गए हैं। तो ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस सिस्टम पर इन्वेस्टमेंट करके किया। 2 सर्दियां आप देख लें गुजर गई हैं कि जिस पे हमने एंटी फॉग डिस्क्स इंसुलेटेड डिस्क्स लगाए, लाइन वॉशिंग मेंटेनेंस का काम किया। बदकिस्मती के साथ अभी हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हतमी में वजूहात में जा नहीं सकता जब तक इन्वेस्टिगेशन और वो मुकम्मल ना हो कि ये फॉल्ट आया कहाँ पे। गुदू के पावर प्लांट के अंदर बाजायरन अभी तक नजर नहीं आया, बाहर है यार्ड के अंदर कोई ऐसी चीज अभी तक नजर नहीं आई, वो जैसी इन्वेस्टिगेशन टीम उसको देखेगी तब हमें पता लगेगा। इसके साथ साथ हमारा मिट्यारी टू लाहौर लाइन ये तकरीबन मार्च अप्रैल तक इंशाल्लाह 4,000 मेगावाट ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी और ये तकरीबन 1.6 अरब डॉलर की लागत से ये लाइन बन रही है, मुकम्मल हो रही है। इसके साथ साथ रिकंडक्टिंग हम लोग कर रहे हैं 2 लाइन्स की हमारी KDA 1 और 2 टू जामशोरो। तो ये हमारे पास जिसको सिस्टम रिडंडेंसी कहते हैं, यानी कि आपके पास एक स्पेयर लाइन आपके पास आ जाएगी और उसके साथ खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज हुई तो हम लोग उसको ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। क्या ये वाकया जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है? नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी होता रहा है और आपने ये देखना होता है कि सिस्टम कितनी तेजी से इसको रिस्पॉन्ड करता है। आपको मोटा मोटा मैं बता दूं कि 2013 से लेके जो सबका हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की उसके दौरान, ये एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स मैं आपको बता सकता हूँ, उनके दौरान तकरीबन इस तरह के 8 वाकये हुए थे। और बेसिक हमारे आने से क्या हुआ, सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट, उसको बेहतर करना
और उसका रिस्पांस टाइम और टीमों का मौजूद होना ग्राउंड पे, ये हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं और इस सिस्टम को हमने ज़्यादा बेहतर बनाना है इंशाल्लाह ताला। हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इसी बिजली के सिस्टम में है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी करेंगे, जो आपका तरसीली निज़ाम है 132 और 11 केवीए पे और केवी पे, और इसके साथ साथ आपका 220 और 500 जो कि एनटीडीसी का और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का। ओवरऑल तरसीली निज़ाम पे हम लोग काफ़ी इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके यहीं पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, कोई क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग तैयार है आंसर करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी।